पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कन्नौज में एक युवक ने घरेलू कलह से परेशान होकर अपनी पत्नी और सास की हत्या कर दी और हत्या के बाद कोतवाली पहुंचकर आरोपी युवक ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मामला कन्नौज के सदर कोतवाली का है, जहां एक दंपत्ति की शादी के कुछ ही दिन बाद ही दोनों के बीच घरेलू कलह शुरू हो गई, जिसकी वजह युवक अपनी सास को मानता था। वहीं दो दिन पहले ही युवक की सास घर आई थी। दो दिनों में सास और पत्नी से पवन का कई बार विवाद हुआ, जिसके बाद रोज की कलह से परेशान होकर युवक ने देर रात अपनी पत्नी और सास की धारदार हथियार से हत्या कर दी और हत्या के बाद दोनों के शवों को मकान की छत से नीचे फेंक दिया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। निवासी हौदापुरवा कन्नौज, ये थाने पर आकर के इसने सूचना दी कि कल इसका इसकी पत्नी के साथ विवाद हुआ था और इसकी पत्नी कल शाम को मैके शिवाजपुर थाना कानपुर नगर चली गई थी बच्चों को लेकर के, और रात में इसकी सास और इनकी पत्नी दोनों वापस आए हैं रात में 11:30 बजे। तब से इनका झगड़ा होना शुरू हो गया और इसका कहना है कि रात में हसिया से विवाद के बाद इसने हसिया चलाया अपनी सास पे और फिर उसको बचाने के लिए पत्नी आई तो उस पर भी चलाया, और दुमंजिला मकान है तो उसकी छत में जिसपे कोई रेलिंग नहीं है वहाँ से उसने झगड़े के दौरान धक्का दे दिया जिससे कि वो नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। दिलीप वर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिलीप, कन्नौज से जो पूरा मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपने ही घर में दो महिलाओं की हत्या कर दी, इस पूरे मामले में आगे की क्या अपडेट है जानना चाहेंगे आपसे। जी बताएं, आरोपी हत्या करने के बाद खुद थाने पहुंच गया था। हालांकि पुलिस को पहले तो इस चीज पर विश्वास नहीं हुआ कि ये सब घटनाक्रम इसने करने के बाद खुद थाने आ गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच करने के बाद जो है इसको मामला सही पाया गया। उसके बाद जो है आला अधिकारी मौके पे पहुंचे और हत्या करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि ये शख्स घरेलू कलह इसके घर में आए दिन होती रहती थी, उसी से ये तंग आकर इसने एक कदम उठाया। जी तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।